ये सब पढ़ेंगे अपन, ये चिपका रहेगा देखो, इसमें रखो इसमें अकरम साय, लाला साय और असलम साय। क्या नहीं कर रहा है, ठीक है और साथ में लेना जरूरी है, साथ में लेना भाषा के लाभ दोनों तरह करा ले, दो नंबर का काम करो। चलो सर सर पीछे पीछे पीछे, अरे ये तो दो अलग इनको पीछे पीछे सबके भाई है ना, नहीं मैं नहीं, ये नहीं मकान मालिक है, मालिक बाकी फिर भी ले चल रहे हैं। अमित इधर है, अमित ये कच्चा माल है अमित भी, हाँ आप ही बनाते थे, आप ही बनाते थे, कब से बना रहे हैं आप? ये क्या बताते थे, कैसे बनाते थे आप? बस ये बनाते हैं सर, मालों का ये बनाया जो आपने सर 36,000 रुपये कितने दिनों से कर रहा है अभी? अभी हमने ये दो दिन ही हुए तो दो दिन में इतना माल लॉकडाउन में, इतना माल बना रहा दो दिन में करा नहीं, सीधे सीधा बोलो पूरे लॉकडाउन में क्या करा सर, पैक करना है तो उनको बनाना निकले ही है सर, लो इतना माल दो दिन में बनता है, ये रखा पूरे को चल रहे बड़े बाल बूढ़ा वाला एक डब्बा बूढ़ा पूरा ये ले बड़े बूढ़ा, ये पैकिंग वाले जब्त करना है, ये पट्टी बिठाओ सारे, टेस्ट बना दो ईश्वर भाव, ये पट्टी और सर्विस कर लो, अरे इधर पिंटू ये पट्टी बिठाओ, ये झोला लाओ इधर, ये डालो ये पट्टी बिठाओ जब्त करना ना, ये भी लाई लाई कलर सब जब्त इंदौर की है इसका, हम लोगों ने पता किया तो कह रहा है हमारा कोई डीलर या वो नहीं है बनाने वाला देवास में, इंदौर में ही बनती है ये, मंगलोर में बनती है और ये बना रहे यहाँ कर्मचारी कॉलोनी देवास में, फर्जी मतलब नकली अच्छा माल है करके सर। ये दो प्रकार के हैं, दो मात्रा में आपने कोई बीडीसी पकड़ी है, पूरा मामला बताइए क्या है? आज मुखर से सूचना प्राप्त हुई थी हमारे उपनिदेशक पवन यादव को, जिस पर यहाँ दबिश दी गई। सर किस जगह पे है ये? कर्मचारी कॉलोनी में है, क्या नाम तेरा मकान? ये आसिक का मकान है जिसमें किराए से रह गए ये तीनों भाई अकरम और ये जो खड़े हैं, ये अवैध रूप से फर्जी तरीके से बीड़ी की पैकिंग करके वो बेच रहे थे, दो मार्क आती, एक आजाद डीलक्स 51 नंबर और एक 30 नंबर बीड़ी। सर दोनों कहाँ की बीड़िया? एक इंदौर की है और एक मंगलोर की है, कर्नाटका की। सर कब से कर रहे थे ये? खुद ही अभी तो इसने बताया कि 5-7 दिन से कर रहे हैं और लॉकडाउन खुल जाएगा तो बेचेंगे फिर बीड़ी, अभी सिर्फ पैकिंग कर रहे थे, बंडल बना रहे थे और बड़ा पैक
बना रहे। सर बड़ी मात्रा में तकरीबन इसकी कीमत कितनी होगी? अब इसका आंकलन करते हैं रेपर और इसका। सर चूंकि जिसने मकान किराए पे दिया, क्या मकान मालिक पे कोई कार्रवाई होगी? मकान मालिक एग्रीमेंट नहीं है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, करेंगे और जो भी वैधानिक होगी कार्रवाई। ठीक सर, थैंक यू। अभी तो इसने बताया कि 5-7 दिन से।